कहती कि पापा भी रेडी, आज मम्मी ने वेज थाली बना दिया है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। दीदी का आज फाइनली पूरा ड्रेस पूरा सेटअप आ गया है। और ये कृति का पूरा ड्रेस आ गया है स्कूल का, बस आईडी कार्ड आना बाकी है। कृति रेडी? और कृति के पापा भी रेडी? चलो दोनों को बाय बाय, टाटा। गुड मॉर्निंग, और कृति चली गई है स्कूल, तो हम लोग का जो टाइमिंग है ना थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो अभी हम लोग जस्ट चाय पिए, क्या करूँ। तो अभी हम लोग जस्ट चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी बैठी है, मम्मी ने चाय सुबह पी लिया है, ब्लैक टी पीती है मम्मी, तो मम्मी ने चाय पी लिया। हम लोग चाय पी रहे थे और बाहर धूप कोई नहीं बोलेगा कि अभी 8 o'clock टाइम हुआ है। बैंगलोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब मार्च का महीना पूरा एकदम हाई रहता है गर्मी, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होता है। और इसी टाइम पे कृति जा रही है स्कूल, वो बोल रही है मम्मा इस टाइम पे स्कूल करना सही नहीं था, इस टाइम पे बंद रखना चाहिए था, बहुत समर है। और बस में आती है ना तो उसको गर्मी लगती है। और आज उसको यूनिफॉर्म का पूरा सेट मिल गया, उसका शूज़ आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और वो फर्स्ट डे जब वो गई थी ना स्कूल, तो बोल रही थी मम्मा मेरा ड्रेस क्यों नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों ने ऑर्डर थोड़ा लेट किए थे, तो इसके लिए आने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग गया था, मतलब 1-2 दिन पीछे हो गया था। और इस बार हमने अभी तक उसका पूरा ड्रेस वगैरह नहीं खरीदा है, एक ही सेट करके खरीदा है। अभी देखते हैं कि जून तक क्या चलता है, क्या होता है, अगर सही से स्कूलिंग वगैरह सारा कुछ चलता है तो और एक सेट हम लोगों को मंगवाना है, क्योंकि एक में थोड़ा मुश्किल होता है। और नेक्स्ट ईयर भी उसका चेंज करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो हाई स्कूल में जाएगी, मतलब उसी स्कूल में 5th standard पे जाएगी। तो बस यही अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज थर्सडे है तो थर्सडे का पूजा भी है, तो अभी मैं जाऊंगी नहा के पूजा करने के लिए। और अभी फ़ैन ऑन रहेगा हर टाइम, तो इसके लिए साउंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज थर्सडे है तो मम्मी जो कैबेज होता है ना उससे भजी बना रहे हैं ऑनियन के बदले, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ऑनियन की जैसा है, ऑनियन भजी जैसा ही टेस्टी लगता है। और मम्मी मेरी हेयर में ऑयलिंग कर रही है, और बहुत दिनों के बाद ये करके ना बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना नींद आता है ना मुझे जब मतलब हेयर ऑयलिंग होता है मेरा। मम्मी और मैं दोनों ही किचन में, और आज भी बन रहा है वेज रेसिपी और बहुत ही यम्मी यम्मी। ये साग ना कुकर में बनेगा, इस साग के साथ करेला आलू कट करके रखा हुआ था वो भी दे दिया है। अभी सॉल्ट हल्दी थोड़ा सा मास्टर्ड पेस्ट डाल के, और उसके बाद इसको एक सीटी लगाना है, कोई भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि साग से पानी निकलता है। सो उसके बाद इसको थोड़ा सा ऑयल और सूखी रेड चिली से इसको जस्ट तड़का लगा लेना है। ये काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब करेले का टेस्ट बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बहुत टेस्टी बनता है। Thank you.
और आने के बाद कृति का दो ही सवाल होता है, एक तो आप लोगों ने खाना खा लिया है या नहीं, और क्या खाने में बना है, तो यही क्वेश्चन रहता है उसका। और फर्स्ट डे थोड़ा लेट आई थी, बट उसके बाद से थोड़ा अर्ली आ रही है अभी। प्लेट में और जगह ही नहीं है, सर्कल बन गया है। और ये है आज का मेन्यू, आज वैरायटी वैरायटी है ना, वेज थाली। आज मम्मी ने वेज थाली बना दिया है। ये खोसला है, ये साग है करेले के साथ, करेला आलू मस्टर्ड डाल के, और ये है ड्रमस्टिक जो मस्टर्ड के साथ, जस्ट ड्राई मस्टर्ड के साथ उसको रोस्ट किया गया है ऑयल में थोड़ा सा। छेचकी बोलते हैं इसको। हाँ, डाटा छेचकी। और ये है पालक, पालक आलू बैंगन की सब्जी, ये वाला बोड़ी के साथ, यस बोड़ी के साथ, और ये दाल और रोटी। और अतनु रोटी के साथ ले रहा है एज यूजुअल, और हम लोग राइस के साथ। ये है कृति का, और थोड़ा सा घी, एकदम परफेक्ट वेज थाली बन गया है आज। सब्जी ना टेस्ट चेंज हो गया है बिल्कुल, और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे तो दाल वाल बिल्कुल नहीं चाहिए, एक तो पालक है और दोनों ही साग है। और कल बनेगी साउथ इंडियन रेसिपी, तो इसके लिए एक दिन पहले इसका प्रिपरेशन लेना पड़ता है, तो इसीलिए जो कुछ भी मुझे रेडी करना है वो मैं एक दिन पहले कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लोगों का दिन स्पेंड हो रहा है। मम्मी अपनी हाथों की यम्मी यम्मी खाना मुझे खिला रही है, और मैं मम्मी को जो कुछ भी मैंने नया सीखा है वो सब मम्मी पापा को ट्राई करवा रही हूँ। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे जाके इस तरह की वीडियो और भी आप देख पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।